हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। 64वीं का जो वैकेंसी था एंड 64वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के लिए उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ गया है। आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लें। तो उसमें है कि पहली बात की पोस्ट की बात करें तो पोस्ट में दिया गया है जो पुलिस उपाधीक्षक के लिए जो पोस्ट है वो है मात्र 40 पोस्ट है, और कार्याधीक्षक के लिए 2 पोस्ट है। वाणिज्य का विभाग वाणिज्य के पदाधिकारी यानी सीटीओ के लिए 10 सीट है, तो ये सब इधर सीट कम है। अवर निबंधक के लिए 8 है और अवर निर्वाचन पदाधिकारी के लिए 8 है, नियोजन पदाधिकारी के लिए 13 है। 24 है सहायक निबंधक, 25 हो गया प्रशाखा पदाधिकारी, और जिला अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 6 है, और बिहार प्रोबेशन के लिए 34 सीट है, और ग्रामीण विकास विभाग में देखा जाए तो 21 है, और साथ साथ श्रम परिवर्तन विभाग में 53 है। और जो सबसे ज़्यादा सीट है वो है राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो इसमें जो है टोटल 571 सीट इसमें है, 571 सीट इसमें दिया गया है। और उसके बाद में जो आता है दूसरा जो स्थान पे है वो है आपूर्ति निरीक्षक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इसमें जो है 223 सीट है। और प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी और कल्याण विभाग के लिए 122 सीट है। तो ये जो हो गया 3-4 जो आपको हो गया मेजर सीट हो गया, और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के लिए कल्याण विभाग के लिए है 75 सीट। टोटल मिला के देखा जाए तो टोटल हो गया इसमें 1255 सीट। पेपर में दिया गया था उसके अनुसार बोला जा रहा था कि 1400 के आसपास निकलेगा, लेकिन यहाँ पे 1250 सीट है। 1250 के लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा 64th का बीपीएससी का। और बाकी जिसमें दिया हुआ नीचे में रिजर्वेशन के बारे में अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है कि बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाती पोता, क्षैतिज जो आरक्षण है उसको लागू किया जाएगा, तो ये सब इसमें दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता में देखें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो है पास होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट जो होना जरूरी है, यानी ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर उसकी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरते समय कॉलम स्नातक के समकक्ष डिग्री के संबंध में पूरा सूचना देना जरूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। बाकी यहाँ पे आरक्षण संबंधी प्रोविजंस हैं तो उसको आप देख लेंगे आराम से। और इसमें जो एक और जो पॉइंट है जो ध्यान देने की ज़रूरत है, उम्र सीमा जो देखा जाए तो उम्र सीमा 1 अगस्त 2018 को न्यूनतम 20 साल है, 20-21-22 उसी तरह से दिया गया है। अधिकतम अनारक्षित, और अधिकतम देखा जाए तो अनारक्षित में यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 है, और SC ST के लिए 42 है। तो ये इसको कैटेगरी दिया गया है। और इसके अलावा हम लोग देखें तो शारीरिक क्षमता की बात करें तो इसमें है कि जो 32 इसका कितना 32 इंच होना चाहिए छाती, और इसका हाइट जो होना चाहिए 5 फुट 5 इंच होना चाहिए बिहार पुलिस सेवा के लिए। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए थोड़ा कम है, 31 इंच होना चाहिए सीना। मेगा सूची जो है इसमें लिखा हुआ है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए पश्चात अंतरविक्षा इंटरव्यू हेतु आमंत्रण अभ्यर्थियों के अंतरविक्षा में भाग लेना जरूरी है, भाग लेना उसमें जरूरी है। अगर भाग नहीं लेते हैं तो उनको अंतिम परीक्षा फल में योग्य नहीं माना जाएगा और उनको मेघा सूची में नाम नहीं दिया जाएगा। शुल्क की बात करें तो शुल्क है वो जो है जो रिजर्व कैटेगरी हो गए उनका 150 हो गया, जिसमें कि अनुसूचित जाति जनजाति या फिर 40% से अधिक दिव्यांग हैं या फिर जो महिलाएं हैं उन सब के लिए 150 रुपया है, और जो बाकी जो जनरल सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 600 रुपया है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में कॉन्सेशन फी के बारे में लिखा हुआ है, वैसे सभी कोटि के जितने लोग हैं उनके अभ्यर्थियों को कोटि का लाभ दावा करते हैं तो उनके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शुल्क जमा किया जाता है, तो भविष्य में ऐसे लोगों के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर कोई संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें अभ्यर्थियों की जो इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप में जमा कर दें। तो ये सारी कॉन्सेशनल फी को लेकर है। प्रारंभिक परीक्षा की बात किया जाए तो प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें अगर देखा जाए तो 2 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन होगा। सिलेबस देखें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की होगी, समसामयिक घटना, जो सिलेबस जो था पहले आज भी वही है। ये थोड़ा इसमें एक डिफरेंट देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा फल के अधीन उम्मीदवारों को परीक्षा फल अनुवर्ती संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जाएगा। इस निमित्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प के द्वारा 16 जुलाई 2007 से और 1 अक्टूबर 2018 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित सामान्य वर्ग के महिलाओं तथा
सामान्य वर्ग के, सामान्य वर्ग के लिए देखा जाए तो उसके लिए है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए है 36.5% और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिला और निःशक्तता से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए 32% मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है, मैंने अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको इतना मिनिमम मार्क्स लाना होगा, इससे कम लाते हैं तो किसी भी हालत में आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और बाकी जो आवेदन भरते समय जो बहुत सारी इसमें जो प्रोविजन से आपको एक ऑप्शनल पेपर चुनना है, टोटल 37 ऑप्शनल पेपर है, उसमें सारे ऑप्शनल पेपर को आप देख लें, उसके अनुसार आपको कोई एक ऑप्शनल पेपर को चुनना है और उसी के अनुसार आपको फिर आगे का, तो इनसे इसके आगे में देखें तो टोटल आपको 37 ऑप्शनल पेपर है, इसमें से किसी एक ऑप्शनल पेपर को आपको चुनना है और ऑप्शनल पेपर इसमें से कोई भी चुन सकते हैं। इसमें जो कुछ किसी एक विषय का इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑप्शनल एक ही है, यानी किसी एक विषय को ही चयन करना है मुख्य परीक्षा में। और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो टाइमलाइन है इसको तो आपको पेपर में भी दे दिया था, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 3 अगस्त यानी कल से स्टार्ट हो रहा है, 20 अगस्त तक चलेगा, परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि है 24 अगस्त और ऑनलाइन आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है वो है 31 अगस्त और जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया उसके अगले तिथि को 11 बजे परीक्षा शुल्क का लिंक उपलब्ध हो जाएगा और परीक्षा शुल्क जब भुगतान हो जाएगा तो फॉर्म का लिंक उसके अगला दिन 11 बजे खुल जाएगा। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशंस, तो आप अगर डिटेल में इसको देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, इसको BPSC का मेन वेबसाइट पर जाकर इसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कल से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी के लिए बहुत अच्छा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। पोस्ट इसमें बहुत अच्छा पोस्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो भी है इसमें अच्छा खासा पोस्ट है, टोटल लगभग 1300 के आसपास पोस्ट है, 1250, तो PT में अच्छा रिजल्ट आने का चांस है, लगभग 10 गुना भी देता है तो 12000 हो जाएगा, तो अच्छा रिजल्ट आने का चांस है, यानी स्टूडेंट अगर इसमें तैयारी कर रहे हैं, अगर सीरियसली लगे हैं तो उनका बहुत अच्छा चांसेस बनता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय बाय।